टाइटेनिक नाम सुनते ही दिमाग में उससे जुड़ी कुछ एक्सीडेंट की कहानियां याद आती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब टाइटेनिक डूबा होगा तो क्या हालात रही होंगी और किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ होगा। दरअसल एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उसका मलबा 75 साल बाद मिला था। टाइटेनिक के साथ हुए भयानक हादसों को लेकर काफी रिसर्च हुई, लेकिन अभी भी 110 साल बाद उसके रहस्यों से पर्दे नहीं उठ सके। वे रहस्य अभी भी टाइटेनिक के साथ अंटार्कटिका महासागर में दफन है। ऐसे में जानते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे रहस्य हैं जिससे अभी भी पर्दा नहीं उठ सका है। साथ ही जानते हैं कि ये रहस्य किन किन चीजों से जुड़े हैं और उनका पता लगाने से क्या क्या फैक्ट सामने आए हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। दरअसल करीब 110 साल पहले 16 अप्रैल को टाइटेनिक के साथ हादसा हुआ और वो अंधेरी रात में एक हिमखंड से टकरा गया। रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त टाइटेनिक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी और वह इंग्लैंड के साउथ से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रही थी। जब सभी यात्री सो रहे थे उस वक्त जहाज हिमखंड से टकराया और यह एक्सीडेंट अंटार्कटिका के महासागर में हुआ। सबसे आश्चर्य तो इस बात की है कि कहा जाता है जिस जहाज को लेकर कि वह कभी नहीं डूब सकता, वह पल भर में ही डूब गया और 1500 लोग इस हादसे में मारे गए। अब जानते हैं कि वह कौन कौन से रहस्य हैं जिसे अभी तक पर्दा नहीं उठाया गया है। टाइटेनिक जैसे विशाल जहाज के लिए कहा जाता था कि वह कभी नहीं डूब सकता। रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट ने बताया कि इंजीनियरिंग के लिहाज से देखते हुए डिजाइन किया गया था। यह डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। इसमें खास बात यह थी कि यह कभी भी डूब नहीं सकता था और इसमें खास बात यह थी कि पानी के लिए इसमें एक अलग से कंपार्टमेंट बनाया गया था जिसमें एक हिस्सा डूबने पर दूसरा हिस्सा बच सकता था। मगर फिर भी किस तरीके से यह डूब गया आखिर, इस बात का अभी स्पष्ट जवाब आना बाकी है। कहा जाता है कि टक्कर काफी तेज है जिससे जहाज का मुख्य बॉडी का आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार अंटार्कटिका महासागर में तेजी से जहाज चलाने से एक सम्मान मिलता है जिसका नाम ब्लू बैड होता है। कहा जाता है कि टाइटेनिक इसी सम्मान का हकदार था। क्या इसे पाने के लिए टाइटेनिक ने अपनी स्पीड को तेज की थी? तो आपको बता दे, टाइटेनिक पहली बार यात्रा पर निकला था और वह पूरा नहीं कर पाया था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसकी स्पीड तेज थी? मौत को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दे, टाइटेनिक काफी ज्यादा विशाल था और इसमें करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में अभी तक उनकी मौत और उनके सुरक्षा के लेकर सवाल उठते रहे हैं। टाइटेनिक के दो टुकड़े हो जाने पर लोगों के कई तरीके से सवाल उठ रहे हैं, आखिर किस वजह से ऐसा हुआ था? टाइटेनिक के दो टुकड़े हो गए किस वजह से? ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्रू के पास दूरबीन तो नहीं थे? तो आपको बता दूं, टाइटेनिक में एक्सीडेंट को लेकर यह भी सवाल उठता है कि क्रू के पास दूरबीन क्यों नहीं थी। कहा जाता है कि अगर उनके पास दूरबीन होती तो वह काफी दूर पहले से ही खतरा को भाप सकते थे। इसके अलावा कई रहस्य हैं जिन्हें लेकर अभी भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। पन्नों में टाइटेनिक एक्सीडेंट का हादसा एक ऐसी घटना के रूप में दर्ज है जिसपे आने वाले सवालों को याद रखा जाएगा। दोस्तों, यह सवाल है जिसे लोग बार बार उठा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।